नरेंद्र मोदी जी की नीतियों का परिणाम है पूरे देश के अंदर, क्योंकि जब हम मैं राजस्थान में मेरी चुनाव के अंदर ड्यूटी थी और राजस्थान के चुनाव के अंदर जब मैं वहां पर गया, जब मैंने डीपली देखा जो लोगों के विचार भी सुने और मैंने जो कामकाज देखा वहां का, क्योंकि वहां दो सरकारें थी, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, और एकदम स्पष्ट ये नज़र आ रहा था, कांग्रेस की सरकार के कामों की तरफ देखते थे तो भ्रष्टाचार नज़र आता था और जो केंद्र की सरकार की तरफ देखते थे तो विकास नज़र आता था, नरेंद्र मोदी जी के काम नज़र आते थे, एकदम स्पष्ट अंतर नज़र आ रहा था। लोग समझ गए हैं कि कांग्रेस एक भ्रष्टाचारियों का टोला है, ये वोट भ्रष्टाचार के लिए मांगते हैं, नरेंद्र मोदी जी विकास के लिए मांगता है, ये अंतर। और उसका परिणाम है कि आज लोगों ने बड़े स्नेह और श्रद्धा के साथ कमल का फूल खिलाने का काम किया है, लगातार बार बार भारतीय जनता पार्टी की लोग सरकार बना रहे हैं, क्योंकि पहली बार आज़ादी के बाद विकास की एक नई दिशा, देश का नया एक इतिहास लिखने का काम वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रही है, हरियाणा के अंदर मनोहर लाल जी के नेतृत्व के अंदर जबरदस्त काम हो रहे हैं, और आने वाले समय के अंदर 2024 में डबल इंजन की सरकार बड़े मैंडेट से ये बनेगी मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, और 10 की 10 लोकसभा की सीटें यहाँ से जिता करके नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। छत्तीसगढ़ के जिस तरीके से नतीजे आए हैं उसको लेकर क्या कहना है, क्योंकि उम्मीद नहीं थी भाजपा को छत्तीसगढ़ की और छत्तीसगढ़ नहीं नहीं भाजपा को उम्मीद क्यों नहीं थी सर, भाजपा को पूरी उम्मीद थी, हमारा कार्यकर्ता मजबूती से खड़ा था। मैंने कहा है कि कांग्रेस के वहाँ के मुख्यमंत्री के ऊपर कितना बड़ा उसने बैकडोर से भ्रष्टाचार किया, और भ्रष्टाचार का पैसा कहीं ना कहीं गरीब के वेलफेयर के ऊपर खर्च होता है, और ये लोग उस भ्रष्टाचार करके जेब में भरने का काम करते हैं, परंतु नरेंद्र मोदी जी की सरकार इस बात भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए निरंतर काम कर रही है, मनोहर लाल जी की सरकार भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए निरंतर काम कर रही है, और उसका परिणाम है कि दूर से दूर बैठे हुए व्यक्ति तक योजना का लाभ पहुँच रहा है। और मैंने ये पहली बार देखा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी ने जो कहा था 2014 मेरी सरकार गरीबों को समर्पित सरकार है, आज विकसित भारत संकल्प एवं जनसंवाद यात्रा के माध्यम से पंचायत पंचायत जाकर के गरीब व्यक्ति को देख करके उसको सरकार की योजना के साथ जोड़ने का काम ये पहली बार सरकार कर रही है। मैंने कांग्रेस का शासन भी देखा है, कांग्रेस के लोग गरीब व्यक्ति से वोट ले लेते थे, परंतु वोट लेकर के वो सरकार को दिखाई नहीं देते थे, गरीब व्यक्ति ढूंढता रहता था कि सरकार कहाँ है। आज सरकार उनके दीवार घर के ऊपर है, दरवाजे के ऊपर है, कांग्रेस के समय के अंदर वो दिखाई नहीं देते थे, वो घूमते रहते थे, और उसका परिणाम है कि लोग बहुत सारी सुविधाओं से वंचित रह जाते थे, आज हर सुविधा लोगों को मिल रही है, हमारी माताओं को बहनों को हर घर के अंदर नल और स्वच्छ जल पहुँचाने की बात है, किसान को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि देने की बात है, चाहे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से किसान को मजबूत करने की बात है, उन गरीब व्यक्तियों को जिनको आज तक बैंक में जाने का अधिकार नहीं था, जनधन खाते खोल करके उन तक उनके खाते सम्मान देने की बात है, आयुष्मान कार्ड के माध्यम से लोगों को 5 लाख रुपए तक का अधिकार दिया है, उन माताओं बहनों को जिनके घर में गैस का सिलेंडर कनेक्शन नहीं था उनके घर के अंदर गैस का कनेक्शन और सिलेंडर पहुंचाने की बात है। कांग्रेस के समय के अंदर तो लाइन में सिलेंडर मिलता था, नरेंद्र मोदी जी ने लाइन को ख़त्म किया, लाइन को ख़त्म करके उस माता बहन के जो जिसने आज तक गैस का कनेक्शन सिलेंडर ही नहीं देखा था उसके घर में भी गैस का सिलेंडर कनेक्शन पहुंचाने की व्यवस्था नरेंद्र मोदी जी ने की। इन 9 साढ़े 9 वर्षों में भारत ने एक नई करवट ली है, नया भारत नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बना है, नया हरियाणा मनोहर लाल जी के नेतृत्व में बन रहा है, उसका परिणाम है कि आज जो चुनाव के नतीजे आए हैं ये उन विकास कार्यों के ऊपर मुहर है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी को, आदरणीय अमित शाह जी को और आदरणीय ठाकुर राजनाथ सिंह जी को हम दिल से धन्यवाद करते हैं कि उनके नेतृत्व के अंदर जो इस प्रकार के काम हुए हैं वो ज़बरदस्त काम हुए हैं। हरियाणा के अंदर भी हम 10 की 10 लोकसभा की सीटें जीत करके नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे, मनोहर लाल जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार तीसरी बार बनेगी। जो हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल, उनके बयान को आप कैसे देखते हैं? जो किसानों को होगी बात, होगी बात, जय श्री राम, होगी बात।